हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि मुझे मिला है बोनस। हाँ जी, आज प्लांट्स में, फूलों में मुझे मिला है बोनस। बोनस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज 26th of October है और मेरी रेन लिली में फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, एक और एक इधर, दो और एक इधर, ये तीन ये कलियाँ आ रही हैं और एक ये मेरी बड़ी वाली है। ये देखिए, इसमें एक फ्लावर मतलब कली आ रही है। तो मुझे तो ये बोनस लग रहा है, और क्योंकि इस टाइम में पहले कभी नहीं खिला कोई भी फूल, तो अब खिल रहे हैं, अब तो मुझे ये बोनस लग रहा है और मुझे इन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। तो रेन लिली के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैं फिर से वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अब बोनस है तो देखिए शेयर करना बनता ही है। तो ये देखिए, दो तरह की मेरी रेन लिली है। एक तो ये मिनिएचर है, ये छोटी वाली है, इसकी लीव्स हैं जो वो छोटी ही रहती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती है। और एक ये है, ये बड़ी है, इसका फूल भी बड़ा होता है, इसकी लीव्स भी बहुत बड़ी हैं, इससे 2-3 गुना बड़ी हैं इसकी लीव्स। आप देख रहे होंगे, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए, इसकी लीव्स बहुत बड़ी हैं, इसका जो फूल आता है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसकी जो आप ये कली देखेंगे, ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी दिख रही होगी आपको, और ये देखिए इसकी छोटी छोटी सी कलियाँ दिख रही होंगी आपको, ये बहुत छोटी कलियाँ होती हैं इसमें, और इसकी लीव्स भी छोटी होती हैं, कलियाँ भी छोटी हैं, बट फूल सेम होता है। मतलब देखने में कलर भी सेम है, और मेरे पास ये पिंक कलर है और कोई दूसरा कलर नहीं है मेरे पास, तो दोनों में ही पिंक कलर है। बाकी जैसे मैं लेके आई थी इसे, तो कुछ और नाम नर्सरी वाले ने, भैया ने बताया था, कुछ दुर्गेश्वरी कुछ इस टाइप का, मुझे पता नहीं है क्या नाम बोला था। बट मैंने बोला भी था उनको कि मुझे ये रेन लिली लग रही है, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये रेन लिली नहीं है, और ये कुछ इस टाइप का कुछ नाम लिया था मेरे से, मेरे को याद नहीं है क्या नाम लिया था, बट ये रेन लिली ही है। मैं इसको रेन लिली कह के नहीं लाई थी, कुछ और लेके आई थी, क्योंकि इसकी लीव्स देखिए बिल्कुल छोटी हैं और इतनी ही रहेंगी इसकी लीव्स। जब से ये आई है तब से इतनी ही बड़ी है, और मिनिएचर है ये, और ये बड़ी वाली है आपकी। तो देखिए, इस टाइम में फूल आना तो एक बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे इसमें फूल मिल रहे हैं। अब अक्टूबर लास्ट में एंड चल रहा है अक्टूबर का, और मुझे रेन लिली के फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी भी नहीं खिले इसकी। अगर नॉर्मल कुछ भी, मैंने इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है कि इसमें अब फूल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ गए, अपने आप ही आ गए हैं। और इसमें मैंने खाद बस जब ये लगाई थी तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली थी, उसके बाद तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया कि इसको फूल आ रहे हैं इसमें। और इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी इसको रोज़ चाहिए, और वेल ड्रेन मिट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी चीज़, मैं हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि पानी नहीं ठहरना चाहिए किसी भी पॉट में। ज़मीन में जैसे लग रहा है पौधा, वो लग रहा है अपने आप सर्वाइव कर लेता है, बट अगर हम पॉट में लगा रहे हैं, किसी गमले में लगा रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी पोरस होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी रिवर सैंड डाली हुई है, एकदम मिट्टी आपको एकदम पोरस लगेगी, जमी हुई मिट्टी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी पहले ही बहुत हार्ड है, तो मेरे को तो डालना ही पड़ता है इसमें, रिवर सैंड डालनी पड़ती है, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालनी पड़ती है, उसके बाद तो मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। और आगे अब जैसे इसको स्टोर करने के लिए, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको आप किसी भी पौधे के नीचे रख दीजिए, किसी भी, जैसे कोई बड़ा प्लांट है आपके पास, जैसे ये है, ये पाम का पेड़ है, ये देखिए मैं इसके नीचे अगर रख दूँगी तो सॉरी तो ये उससे बच जाएगा, जैसे कोहरा वगैरह पड़ता है उससे बच जाएगा। तो सर्दियों में ये ख़राब होने के चांस इसके बस कोहरे की वजह से होते हैं, ज़्यादा ठंड नहीं सहन करता है। इसको आप किसी पेड़ के नीचे, प्लांट के नीचे रख दीजिए, गमलों के बीच में रख दीजिए इसको, तो ये ठंड से बचा रहेगा। और इसकी मल्चिंग कर दीजिए, मल्चिंग मीन्स जैसे आप, जैसे ये सूखी पत्तियाँ, मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे बहुत गंदा सा पड़ा है ऐसे, मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इसको भी चेंज की ज़रूरत होगी। इसके ऊपर कोई भी पत्तियाँ डाल दीजिए, या फिर 1-2 इंच की खाद डाल दीजिए आप इसके ऊपर, तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल दीजिए इसके ऊपर, और डाल के ऐसे ही छोड़ दीजिए, किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए इसको। तो गोबर खाद क्या होगा कि इसको प्रॉपर तरीके से हीट मिलती रहेगी इसकी रूट्स को, तो ये ख़राब नहीं होने देगा इसको। तो इसकी बस इसकी और कुछ नहीं, पानी नॉर्मल, आप जैसे इसकी मिट्टी सूख रही है दिखाई दे रही है आपको, तो नॉर्मल, क्योंकि प्लांट्स के नीचे रखते हैं तो पानी खुद ब खुद इनमें लग जाता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनको।
तो जैसे दूसरे प्लांट्स में दे रहे हैं, शावर कर रहे हैं हम उसका, तो इसके ऊपर भी पानी डल जाता है। मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जो दूसरे प्लांट्स को शावर करती हूँ, धोती हूँ पत्तियों को, तो उसके बाद ही इसमें जो पानी चला जाता है वही चला जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती फिर मैं इसमें। सर्दियों में नहीं करती हूँ, फिर लगभग मार्च में मैं इसको एक बार वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है या इस टाइप का कोई चीज़ दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे कुछ भी नहीं देती। बारिश में खूब सारे फूल आते हैं, इसमें खूब मज़े लेते हैं हम बारिश में फूलों के। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लांट्स लगाते रहिए। इस प्लैनेट को ग्रीन कीजिए और मेरे ग्रीन प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ लेती हूँ विदा। ओके फ्रेंड्स, बाय।